हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ करेला और आलू मिक्स भुंजिया कैसे बनाएं। सबसे पहले आप सबको काट लेंगे, आलू और करेले को। प्याज अभी मैं काटने वाला हूँ। और इधर तेल गर्म कर लीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इधर होम लाइट का माचिस है, मैं यूज करता हूँ। अब हम लोग इसमें डालेंगे जीरा। तेल गर्म है तो जीरा देखिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने बारीक काट लिया है, ध्यान रहे ज्यादा छोटा छोटा नहीं काटना है। प्याज को अच्छे तरीके से थोड़े समय तक भूंजेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम लोग इसमें करेला डालेंगे और आलू। इस तरह से डाल दीजिए। अगर आपके घर में बच्चे करेले का भुंजिया नहीं खाते हैं तो इस विधि से बनाइए, वो दीवाने हो जाएंगे आपके हाथों के। बच्चे हो या बूढ़े, करेले का भुंजिया जरूर खाएं। यह पाचन तंत्र और शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। तो इसे अब हम लोग अच्छे से चलाएंगे। देखिए, किडनी हो, गुर्दा हो, लीवर हो या शरीर के कोई भी रोग को दूर करने में काफी कारगर है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। अनेकों कोशिकाओं तंत्रों को मजबूत करता है करेला। और बस स्वाद कड़वा होने के चलते लोग इसे ज्यादा खाना नहीं पसंद करते। तो लो, आपके लिए मैं लाया हूँ, ये विधि से बनाइए और खिलाइए। अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक। मेरा छोटे छोटे दो करेले का भुंजिया है तो मैं छोटा 2 चम्मच नमक डाला। आपका अगर ज्यादा हो क्वांटिटी तो ज्यादा नमक डालिएगा स्वादानुसार। अब इसको 2 मिनट तक भुनना है। इस तरह से अच्छे तरीके से इसे भुने 2 मिनट तक। फ्लेम बिल्कुल मीडियम से भी कम होना चाहिए, बिल्कुल कम। नमक बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब फ्राई करना बंद कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। अब 3 मिनट बाद, 3 से 5 मिनट बाद हम लोग ढक्कन को हटाएंगे। देखिए, भुनिया बिल्कुल भुना चुका है। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एवरेस्ट का सब्जी मसाला थोड़ा। देखिए इस तरह से डालना है, ज्यादा ना गिर जाए वीडियो बनाने के चक्कर में। अच्छे से मिला देना है इसको बारीक से। देखिए देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भुंजिया बनकर हमारा तैयार है। काफी खूबसूरत देखने में भी लग रहा है। देखिए, और इसे जब आप सर्व करेंगे तो यकीन मानिए, जो खाएंगे वो आपके दीवाने हो जाएंगे। और जिनको भी करेला खाना कम पसंद है वो आपके हाथों से करेला का भुंजिया खाना जरूर पसंद करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए और बनाइए, और आपके घर में कोई आए उसको खिलाइए भी।